कमेंट शेयर कर देना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वंशिका का मेकअप। जी हाँ, हम इसका करेंगे डिज्नी फ्रोजन प्रिंसेस एल्सा मेकअप। तो वंशु के लिए हमने सब कुछ मंगवाया है, तो आज होने वाला है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, क्योंकि वंशिका लगेगी लास्ट में बहुत ही सुंदर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं और मैं ट्राई करूंगी जितना हो सके मैं बेबी प्रोडक्ट्स यूज करूं, मतलब मैं अपना मेकअप बहुत ही कम यूज करने का ट्राई करूंगी वंशिका के ऊपर। एंड जो नहीं होगा बेबीज वाला, फिर वो मेरे को यूज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और वीडियो खत्म होते ही फिर मैं रिमूव कर दूंगी सारा कुछ उसी टाइम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वंशिका को लगा रही हूँ जॉनसन्स की ये क्रीम। तो इसका फेस इससे मैं मॉइस्चराइज कर लूँगी, ताकि मैं इसके फेस पर कोई भी जो प्रोडक्ट लगाऊं वो इसके फेस को बिल्कुल भी हार्म ना करे। तो मैं इसे लगा लेती हूँ इसके फेस पर अच्छे से। आर यू एक्साइटेड मैम? सच्ची? क्या बनने वाले हो? क्या बनने वाले हो? प्रिंसेस। कौन सी वाली? ये वाली कौन सी? आपको बताया था मैंने, कौन सी है ये? ऐसा। सो गाइस, हम फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाएंगे, एंड मैं जस्ट जॉनसन का यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर ले रही हूँ नो तो इस स्पंज एप्लीकेटर की हेल्प से मैं इसके फेस पर लगा दूंगी अच्छे से, थोड़ा अच्छे से लगाऊंगी ताकि थोड़ा बेस टाइप का मैं लुक मिल जाए। वैसे तो मेरा वंशु ऐसे ही बहुत सुंदर प्रिंसेस लगता है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि ये डिज्नी प्रिंसेस बन के कैसी लगती है। तो ये हमेशा कहती है कि मम्मा मेरा भी मेकअप करो, मेरा भी मेकअप करो, तो डैट्स वाई हमने सोचा कि कुछ किया जाए ताकि इसको भी थोड़ा अच्छा लगे और मुझे भी। मैंने इसके फेस पर पाउडर भी लगा लिया है, एंड नेक्स्ट हम लगाएंगे इसको काजल। सो गाइस, आई मेकअप के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला जादुई पिटारा। बहुत सारे लोग इसको देख कर ही समझ गए होंगे कि ये क्या है, लेकिन जिनको समझ नहीं लगा उनको अभी लग जाएगा। एंड इसमें है होममेड काजल, जो कि वंशिका के दादी ने बना के भेजा था जब ये हुई थी। तो ये काजल की हेल्प से हम इसके आईब्रोज फिल करेंगे एंड इसके लाइनर काजल सब लगा देंगे, क्योंकि मैं अपना वाला काजल इसकी आईज में अप्लाई नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये वाला काजल इसको लगाऊंगी क्योंकि ये सेफ है बिल्कुल ही। तो आर यू रेडी? हाँ जी। ओके गाइस, उससे पहले मैं इसको सिंगल एक शेड का ये वाला आई शेडो लगा दूंगी। आईज क्लोज रखना जब तक मम्मा नहीं कहेगी। ओके क्लोज रखो अपनी आईज। हमने यहाँ पर वंशिका की आईलिड्स पे बहुत ही लाइट लाइट सा ये पिंक कलर अप्लाई कर दिया है। आईज क्लोज करके दिखाओ गाइस को। आईज क्लोज, यस। सो थोड़ा सा ओके ओके ठीक है। ओके आईज क्लोज रखो, मैं लगा देती हूँ। वैसे गाइस, मुझे लग नहीं रहा कि ये वीडियो के एंड तक बहुत अच्छे से मेकअप करवाएगी, बट लेट्स होप कि ये अच्छे से करवा ले और कुछ भी मैस ना करे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है इसका मेकअप करना, क्योंकि हमेशा लग रहा है कि मैं करूँगी। तो मैंने इसको बहुत समझाया है एंड ये बहुत अच्छा बच्चा है ना। यस, मैं तो कट भी नहीं लेता हूं। सो गाइस, अब हम इसके आईब्रोज फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश एंड काजल। एंड बहुत ही थिन से आईब्रोज होते हैं एल्सा के, तो वही चीज फॉलो करते हुए मैं अप्लाई कर लूंगी। बेबी क्लोज। कोई मेकअप नहीं करता नहीं। अभी कर तो रहे हैं। अच्छा चलिए, लो बात। ओके वेट ना, थोड़ा सा आपकी
सो गाइस आईब्रोज भी डन हो गए हैं. नेक्स्ट मूव टू द लाइनर. तो हम इसके लाइनर लगाते हैं. वैसे मुझे सीरियसली डर भी लग रहा है ये वाला लाइनर अप्लाई करने में, क्योंकि आईज के ऊपर ना ट्रांसफर हो जाए. बेबी आप आईज ना बिल्कुल बंद रखना, ठीक है? मम्मा जब तक नहीं कहेगी तब तक नहीं खोलना. ओके ओके क्लोज क्लोज क्लोज. देखो फिर खोल लेना, अपने खराब हो जाना फिर पूरा मेकअप. क्लोज रखो बेटा, क्लोज रखना क्लोज रखना क्लोज रखना आईज क्लोज रखना क्लोज. सो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा पाउडर लूंगी इसी ब्रश पे. क्लोज बेबी क्लोज एंड बिल्कुल हल्का हल्का इस पे अप्लाई कर दूंगी. Close, close, close your eyes. Yeah, open your eyes. Close your eyes. Okay. ठीक है. So, open करना baby. So guys, अब हम लगाएंगे ये and वंशु बताएगी कि इसको कहाँ पे लगाना है. कहाँ लगाते हैं इसको? Yeah. Well, so हम इसके लगाएंगे blusher. Blusher के लिए कोई option नहीं है, तो हम मम्मा वाला ही लगाएंगे. Okay? ऊपर देखो. Smile baby, smile. वंशिका तो अभी से ही प्रिंसेस लग रहा है. वंशु अभी से ही प्रिंसेस, राइट? मम्मा मेकअप कर, मम्मा मेकअप ही तो कर रही है. देखो कितना खराब है बेबी. मम्मा का तो बोलने भी नहीं दे रहा, कह रहा बस मैं मेकअप करो, है ना? तो ये हो गया. थैंक यू मम्मा. वेलकम बेबी. इसके आईब्रोज को हम इससे स्पूली से सेट कर देते हैं. थोड़े से आईब्रोज को स्पूली से थोड़ा सा सेट कर देंगे, ताकि थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है ब्लेंडेबल लगे. एंड गाइस नेक्स्ट हम लगाएंगे वंशिका के हाइलाइटर थोड़ा सा. एंड मेबी डोंट टच. ओके ओके लो. चलो इधर देखो, मम्मा को देखो, मम्मा को देखो. तो वंशिका के चीक्स काफी छोटे हैं. सो वंशिका के चीक्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं हाइलाइटर के लिए, तो मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगाऊंगी, क्योंकि ब्रश के साथ तो इसकी पूरी चीक्स के ऊपर ही लगता है. ओके बेबी मैं लगा रही हूँ. वेट डोंट टच एनीथिंग. रुको बेटा ये वाला ना. ओके ठीक है. एंड थोड़ा सा चिन पे भी लगा देंगे. एंड थोड़ा सा हम यहाँ पे अपर लिप पे लगाएंगे. एंड थोड़ा सा यहाँ पे फोरहेड पे लगाएंगे. एंड यहाँ पे ऑल्सो ब्राउ बोन को हम इस अपनी फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पे फिल इन कर दूंगी. सर दिखाओ बेबी. वाओ आप तो बहुत सुंदर लग रही है. गाइस लास्ट हम लगाएंगे वंशिका को लिपस्टिक विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश, क्योंकि वंशिका भी छोटी है तो ये हिला देगी डेफिनेटली. तो इधर करो बेटा, मम्मा की तरफ देखना, बिल्कुल भी हिलना नहीं है. ओके आ कर लो, आ नॉर्मल आ ऐसे, आ बस हिलो मत. सो गाइस अभी ना यहाँ पे तक्षु भी सो रहा है, तो वंशिका उसी को एंड ये सीरियसली उठ गया. वंशु को जिस बात का डर था ना, वंशु वंशिका का मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है. एंड अब हम आपको मिलते हैं एक मैजी के साथ. तो वंशु आता है करके गिली 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 मैजी.
अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, झूठ बाय कर मेरा, बाय बाय। सो गाइज आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें मैंने वंशु का प्यारा सा मेकअप किया है एंड वंशु पूरी डॉल लग रही है। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। हेलो गाइस, आपको कैसा बनिया मुझको, मेरी मामा ठीक है और सब ठीक है और मेरी मामू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और टक्कू भी ठीक है। हाँ जी हाँ जी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना भर भर के। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके। सो बाय बाय।